शिक्षार्थियों एन के स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम उच्चतर माध्यमिक हिंदी पाठ्यक्रम के एक पाठ भारतीय विज्ञान की चर्चा करेंगे जिससे आप लाभ उठा सकते हैं शिक्षार्थियों आप जानते हैं कि भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में एक है भारत में विज्ञान का उद्भव तीन हजार ईस्वी पूर्व में हुआ है इसके प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन की खोजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिसका उपयोग आज भी हो रहा है आज पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद बसु प्रफुल्ल चंद्र राय सीवी रमन सत्येंद्र बोस मेघनाथ साहा प्रशांत चंद्र महाल लोबिस श्रीनिवास रामानुजम हरगोविंद खुराना आदि का वनस्पति भौतिक गणित रसायन यांत्रिकी चिकित्सा विज्ञान खगोल विज्ञान आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षार्थियों आइए भारतीय विज्ञान के विभिन्न चरणों को जान लें जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अभी अपना बस्ती बनाना सीख रही थीं, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसा कर रहने और अपना जीवन जीने लगे थे उस समय भवन निर्माण धातु विज्ञान परिवहन व्यवस्था और वस्त्र विज्ञान आदि उन्नत दशा में थे आर्यों के आगमन के साथ भारत में गणित ज्योतिष रसायन खगोल चिकित्सा धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्नति की 2000 हजार ईस्वी पूर्व से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी तक विज्ञान की यह परंपरा बहुत उन्नत थी इस काल में आर्यभट्ट वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त बोधायन चरक सुश्रुत नागार्जुन कणाद से लेकर जय सिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा है आगे चलकर मुग़लों के आने के बाद भारतीय विज्ञान पर आधारित ग्रंथों के अरबी फारसी में खूब अनुवाद हुए भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का यह नया आयाम था मुग़लों के बाद अंग्रेजी राज में एक बार फिर विज्ञान की परंपरा तेज़ी से विकास की ओर उन्मुख हुई शिक्षार्थियों वैदिक काल के लोग खगोल का अच्छा ज्ञान रखते थे इन्हें 27 नक्षत्रों का ज्ञान था वे वर्ष महीनों और दिनों के रूप में समय के विभाजन से अच्छी तरह परिचित थे इसी प्रकार गणित और ज्यावती का वैदिक युग में खूब विकास हुआ उस युग में भारतवासी एक के आगे बारह शून्य तक की गिनती से परिचित थे इस युग की विशेष उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में थी इस युग के चिकित्सा वैज्ञानिक विच्छेदन की क्रिया से परिचित थे जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के बारे में उन्हें विशद ज्ञान था और वे स्नायु तंत्र के बारे में भी अच्छा ज्ञान रखते थे मौसम परिवर्तन शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति तथा रोग पैदा करने वाले अनुवांशिक कारकों आदि के सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त थी आगे चलकर गुप्त काल में विज्ञान की सभी शाखाओं की उल्लेखनीय प्रगति हुई बीज गणित ज्यामिति रसायन भौतिक विज्ञान चिकित्सा विज्ञान धातु विज्ञान खगोल विज्ञान का विकास अपने चरम सीमा पर था आप जानते हैं कि खगोल विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपने धुरी पर घूमने की पुष्टि आर्य भट्ट ने कॉपर निकस से एक हजार वर्ष पहले कर दी थी इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों से परिचित थे वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान का वैदिक कालीन ग्रंथ है जिसकी रचना लगध ऋषि ने 100 सौ ईस्वी पूर्व में की थी खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त गणनाओं के लिए बीज गणित के प्रयोग के लिए और भास्कराचार्य तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं ज्यामिति का भी ज्ञान हड़प्पा कालीन लोगों को अच्छी तरह था इसका प्रमाण भवनों की आकृति सड़कों के निर्माण यज्ञ वेदिका आदि है त्रिकोण मिति के क्षेत्र में भी भारतवासियों ने मौलिक कार्य किए इन्होंने ज्या कोटिज्या उत्क्रमज्य का आविष्कार किया यही नहीं इनकी दक्षता बीजगणित में भी थी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि अनिवार्य वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत करना है शिक्षार्थियों भारत में चिकित्सा शास्त्र की सुदीर्घ परंपरा रही है इस शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया चरक ऋषि का चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है चरक को शरीर में रक्त संचार क्रिया का पूरा ज्ञान था वे जानते थे कि कुछ बीमारियों के कारण कीटाणु होते हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम चयापचय पाचन और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में हमें बताया चरक संहिता में शरीर विज्ञान निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान के विषय में भी पूरी जानकारी मिलती है सुश्रुत संहिता की रचना ऋषि सुश्रुत ने की थी इस ग्रंथ में सुश्रुत ने अपने से पूर्व के शल्य चिकित्सकों के ज्ञान और अनुभव को संकलित कर एक व्यवस्थित रूप दिया है यह शल्य चिकित्सा का विश्वविख्यात ग्रंथ है इसमें शल्य क्रिया के 101 उपकरणों के नाम दिए गए हैं इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का भी पूरा विवरण मिलता है भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान भी बहुत विकसित था घोड़ा हाथी गाय बैल की चिकित्सा से संबंधित अनेक ग्रंथ मिलते हैं शालिहोत्र प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे हय आयुर्वेद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पलकप्य का हस्ते आयुर्वेद हाथियों के शरीर रचना और उनके रोगों के विवरण वाला ग्रंथ है भारत में भौतिक विज्ञान का भी विकास हुआ कणाद ऋषि ने यह बात छः सौ ईस्वी पूर्व में ही बता दिया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है भारत में रसायन विज्ञान की भी परंपरा बहुत पुरानी है भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक रसायन विज्ञान के 44 ग्रंथ उपलब्ध हैं नागार्जुन ने रसायन विज्ञान में काम आने वाले उपकरणों का विवरण दिया है वनस्पति निर्मित तेजाबों से धातु गलाई जाने की कला वे जानते थे धातु विज्ञान में भी भारत की दक्षता उच्च कोटि की थी भारतीय इस्पात अपनी गुणवत्ता के कारण पूरी दुनिया में उपयोग के लिए मंगाई जाती थी मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ सत्रह सौ वर्ष की सर्दी गर्मी बरसात सहकर भी जंग रहित बना हुआ है यह भारत के लौह कर्म का उत्कृष्ट नमूना है भारत का रत्न विज्ञान भी उच्च कोटिका था भारतीयों ने हीरा मार्फत पद्मराग मुक्ता इंद्रनील महानील वैदार्य चंद्रकांत सूर्यकांत स्फटिक पुलक करकेतन पुष्पराग ज्योतिरस शंख गोमेद सौगंधिक राजपट रुधिराक्ष, सीस पीलू प्रवाल गिरिवज्र उत्पल आदि रत्नों के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे इसके साथ ही जलयान निर्माण में भारत मध्यकाल तक यूरोप से बहुत आगे था प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में भी भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त कर ली थी कपड़ा रंगने के लिए सौ से अधिक वनस्पति और खनिजों से प्राप्त रंगों का इन्हें ज्ञान था शिक्षार्थियों भारत में आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा का विकास अंग्रेजी राज में हुआ आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है यांत्रिकी का विकास इससे विज्ञान में अनुसंधानों के अनेक रास्ते खुले कंप्यूटर रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान आदि हर क्षेत्र में नए प्रयोगों में आसानी हो गई आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा ने देश और काल की सीमाएं भी तोड़ी भारत का वैज्ञानिक विकास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ देश के वैज्ञानिक विकास के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का संकल्प लिया शिक्षार्थियों यह कार्य उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को सौंप दिया जिसके कारण डॉक्टर भटनागर को औद्योगिक अनुसंधान का प्रणेता होने का गौरव प्राप्त हुआ इनके प्रयासों से भारत में प्रयोगशालाओं की कड़ी स्थापित होती चली गई देश की पहली प्रयोगशाला पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी डॉक्टर भट्टनागर की मृत्यु के समय देश में पंद्रह प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी थी आज़ादी के बाद के वर्षों में कृषि परमाणु चिकित्सा संचार अंतरिक्ष परिवहन और रक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई इससे दुनिया में भारत का असर ऊंचा हुआ कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग रही है इस क्षेत्र में देश ने बहुत प्रगति की डॉक्टर बीपी पाल डॉक्टर एसएम स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग के प्रयासों से हरित क्रांति आई जिससे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका इसी तरह कुरियन ने श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमें शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी भाभा के प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ विश्व के चौथे बड़े उद्योग इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी आज भारत अग्रणी है सी डेक द्वारा परम दस हजार सुपर कंप्यूटर का निर्माण हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है आज़ादी के बाद जहां भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया वहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का एक पृथक मंत्रालय बनाया गया खगोल विज्ञान में आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं आज भारत के वैज्ञानिक अपने बल पर उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हैं भारत ने परमाणु के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कृषि और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़ा विषय इलेक्ट्रॉनिक है भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण भारत ने जलयान रेल कपड़ा और मोटर आदि उद्योगों में आशातीत सफलता प्राप्त की है आधुनिक विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग स्तर पर वैज्ञानिक प्रयोग होते रहे हैं जिनमें से अधिकांश प्रयोग और अनुसंधान ऐसे हैं जिन पर एक साथ कई देश काम कर रहे होते हैं ऐसी दशा में कई खोजें मिश्रित रूप में हुई हैं और उनका अलग अलग स्तरों पर विकास हुआ है जैसे कंप्यूटर की खोज किसी एक वैज्ञानिक अथवा देश ने अकेले नहीं की बल्कि यह विभिन्न देशों की मिश्रित वैज्ञानिक उपलब्धि है इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां सराहनीय हैं आज भारत सॉफ्टवेयर बनाने वाले देशों में अग्रणी है कंप्यूटर आधुनिक विश्व की ऐसी उपलब्धि है जो समाज के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी और ज़रूरी हो गई है आज कंप्यूटर के कारण पलक झपकते ही तमाम सूचनाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी है और सूचनाओं के आधार पर नित नए प्रयोगों के लिए नए रास्ते भी खुलने लगे हैं इस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में कैट स्कैनर रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में मिसाइलें राडार और परमाणु अस्त्र सूचना जगत में उपग्रहों परिवहन के क्षेत्र में मोटरकारों और वायुयान तथा कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कृषि उपकरणों का विकास भी मिश्रित वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं भारत इन सभी क्षेत्रों में सहभागी है आज भारत दूसरे देशों से तकनीक लेकर और मौलिक स्तर पर भी अपना योगदान कर रहा है आज भारत हर प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास में अग्रणी है शिक्षार्थियों आपने भारतीय विज्ञान पाठ पर आधारित यह चर्चा विस्तार से सुनी आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी आप आगे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद